नमस्कार। आज तक पर आज हम इतिहास रचने जा रहे हैं इस वर्ल्ड कप स्पेशल प्रोग्राम में, क्योंकि आज हम उसी जगह पर हैं जहां 2011 में वर्ल्ड कप इसी पिच पर भारत ने जीता था। और हमारे साथ है खुद भारत के भारत रत्न सचिन रमेश तेंदुलकर। और आज आप सुनेंगे आज तक पर इस वर्ल्ड कप स्पेशल में सचिन की जुमानी, उनके वर्ल्ड कप के सफर की कहानी। तो एक और एक बार उनको एक स्पेशल अप्लॉज। मुझे लगता है आपको एक बार फिर इस पिच पर जाकर बैटिंग करनी चाहिए। वो पिच देखकर मन में मैं देख रहा था, नहीं विकेट बहुत अच्छी दिख रही है, मगर ये ग्राउंड का एक सिग्निफिकेंस ही कुछ अलग है, क्योंकि यहाँ पे जब 2011 में हमने वर्ल्ड कप ट्रॉफी उठाई थी तो वो मेरा लाइफ का सबसे बड़ा मोमेंट था क्रिकेट फील्ड पे। जब भी मैं यहाँ इस ग्राउंड पे आता हूँ तो वो एक ही ख्याल आता है कि वो शाम कुछ अलग ही थी, वो शाम कुछ अजीब थी। लेकिन मैं सोच रहा हूँ किसी से बैट ले लूँ और आपको यहाँ बैटिंग करवाऊँ। क्यों बैटिंग करवाए एक बार फिर? हाँ यही तो बात हुई ना, एक बार फिर बैटिंग करवानी पड़ी। लेकिन मैं इस प्रोग्राम में आपका सफर, आपका जो वर्ल्ड कप सफर है उस पर मैं फोकस करूंगा। और मैं चाहूंगा कि पहली बार जब आप वर्ल्ड कप खेले 1992 में, वो दिन याद है या भूल गए आप? नहीं मुझे याद है, मुझे तो इनफैक्ट सबसे पहली चीज 92 वर्ल्ड कप की याद है, जब इनॉग्रल फंक्शन हुआ था और वो सिडनी में हुआ था डार्लिंग हार्बर पे। सुपर था कि ना, पहली बार सारे टीम्स वहाँ पे आए थे और इतने सारे क्रिकेटिंग ग्रेट्स थे तो उनको हमेशा टीवी पे देख रहा था। सबसे पहले मुझे ये कहना है कि इस ग्राउंड पे 1987 में मैं ड्रेसिंग रूम के सामने बॉल बॉय था और 1992 में मैं उनके अगेंस्ट खेल रहा था, वो प्लेयरों के अगेंस्ट। लेकिन आप तो क्रिकेट मुझे लगता है पहली बार वर्ल्ड कप खेले 18 साल के थे। कुछ बड़े क्रिकेटर ने कभी आपको कहा यार सचिन पहली तो वोटिंग एज के तो बन जाओ फिर हमारे सामने खेलो, कभी कहा आपको? मुझे, मैं न्यूजीलैंड में जब आउट हुआ था टेस्ट सीरीज में खेलने गया था, तभी मेरी उम्र 16 साल की थी। मैं एक्चुअली पहले बॉल पे आउट हुआ डैनी मॉरिसन को, और मुझे जिस तरह से कोई भी फॉरेन टीम एक टीनेजर को सेंड ऑफ देती है उस तरह का मुझे स्पेशल सेंड ऑफ दिया था उन्होंने, चलो जाओ स्कूल में जाके खेलो करके। मगर ऐसी चीज़ें आप भूलते नहीं हो, ये ज़रूर दिमाग में था कि एक दिन मैं यहाँ आके कुछ ना कुछ कर दिखाऊँ। अरे वाह, अरे वाह, यानी और आपने करके भी दिखाया। 1992 वर्ल्ड कप की मुझे वो मैच याद है पाकिस्तान के सामने, और हमेशा मैं देखता हूँ कि पाकिस्तान जब आता है तो सचिन में कुछ एक और एक अलग जज्बा आ जाता है, क्योंकि उस मैच में आप मैन ऑफ द मैच बने, हमने पाकिस्तान को सिडनी में हराया। कुछ होता है क्या सचिन तेंदुलकर का जब पाकिस्तान सामने आ जाता है? नहीं, वो मैच तो मैं कहना चाहूँगा कि एक अलग मैच होता है। बहुत सारे प्लेयर्स यही बोलेंगे कि नहीं हम नॉर्मली खेलते हैं जो भी है मैच, मगर वो मैच अलग होता है क्योंकि आपके दोस्त, जहाँ भी आप जाओ होटल्स में, रूम सर्विस, हाउसकीपिंग या ऑपरेटर फ़ोन पे, सर ये मैच जीतना है, कुछ भी हो जाए आपको ये मैच जीतना है, तो ये मैच का एक इम्पोर्टेंस अलग सा हो जाता है अपने आप। लेकिन 1992 वर्ल्ड कप हम जीत नहीं पाए, 1996 वर्ल्ड कप आता है, हमारी टीम बड़ी अच्छी है और हम कलकत्ता में मैच हार जाते हैं। तब मैंने सुना है कि आप बहुत ही दुखी थे, यानी विनोद कामली को तो हमने देखा होगा टीवी पर, वो रो रहे थे। मैंने सुना आप भी बहुत डिप्रेस थे उस दिन। हाँ सब बहुत डिप्रेस थे, क्योंकि मुझे लगा कि हमारी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी थी टीम की और हम अच्छा क्रिकेट खेल रहे थे। वो एक मोमेंट ऐसी थी कि ना विकेट्स जाने लगे और यू नो फॉर सम रीज़न पार्टनरशिप्स नहीं हो रहे थे बिल्कुल। इट बिकेम अ डिफ़िकल्ट ट्रैक, मगर जब हम पहले बॉलिंग कर रहे थे तभी मुझे थोड़ा बहुत पता लगने लगा कि ना ये मैच का सेकेंड हाफ इज़ गोना गेट इवन टफर, है ना, कि इतना आसान नहीं रहेगा चेज करना। मैंने विनोद कामली को जैसे मैंने कहा देखा कि वो रो रहे थे, आपको मैंने कभी रोते हुए नहीं देखा फील्ड पर,
केवल उस 2011 के वर्ल्ड कप के बाद मुझे लगता है खुशी के आंसू आपके, वो खुशी के आंसू थे वैसे आंसू। सचिन रोते हैं कभी जब आप जीरो पर आउट हुए हैं इतने सालों में? कभी आप ड्रेसिंग रूम में गए हैं और बैट फेंक दी और कहा यार? नहीं, वैसे मोमेंट्स आए हुए हैं लाइफ में, मगर वो मोमेंट्स ड्रेसिंग रूम के अंदर, ड्रेसिंग रूम के अंदर भी बहुत बार बैट फेंकी है। सचिन तेंदुलकर ने बैट फेंकी कभी? मैं कभी मेरा किट नहीं फेंकता। कभी नहीं फेंकी? बिल्कुल नहीं फेंकता। और मैंने काफ़ी सारे प्लेयर्स को भी यही कहा है कि अपना क्रिकेट गियर कभी मत फेंको, क्योंकि क्रिकेट गियर की वजह से आप इस लेवल तक पहुंचे हो, उसकी पूजा करो। एक तरह से क्या ये आपके लिए एक मंदिर है? ये पिच एक तरह से आपके लिए एक मंदिर है, आप उस तरह से देखते हैं यहाँ? क्योंकि जब आप रिटायर भी हुए थे इसी ग्राउंड पर आपने जाकर जमीन से जमीन को टच करके आपने एक तरह से प्रार्थना की थी। बिल्कुल। लेकिन एक वर्ल्ड कप की इमेज है मेरे सामने, 99 का वर्ल्ड कप आता है, आप इंग्लैंड चले जाते हैं, बीच में आपको खबर मिलती है कि आपके पिताजी जो आपके आदर्श थे उनका देहांत हो जाता है, आप वापस आते हैं, उसके तुरंत बाद आप इंग्लैंड चले जाते हैं और पहली मैच में आप 100 कर लेते हैं। उस एक माहौल में आप 100 कर लेते हैं और आप पहली बार मुझे लगता है ऊपर आसमान की तरफ देखते हैं। क्या कहीं आपको हमेशा लगा है कि आपका, आपके पिताजी का जो आशीर्वाद है वो आपके साथ रहा है? वो हमेशा था और हमेशा रहेगा, इसके बारे में कोई डाउट ही नहीं मुझे। जब वो मैच हुई थी, अभी जब वो मैच हम जिम्बाब्वे खेल रहे थे जी, लेस्टर में, और रात को जब 2 बजे के करीब मेरे दरवाजे पे किसी ने नॉक किया तो मैंने देखा कि मेरी बीवी थी, तो मुझे इमीडिएटली पता लग गया कि कुछ तो बहुत ख़राब चीज़ हुई है फैमिली में या कोई और कुछ चीज़ हुई है, नहीं तो मैच के पहले रात को 2 बजे कोई मेरा फैमिली मेंबर ऐसे आके मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा। क्योंकि हमेशा यही रहा है कि सारे जो प्रॉब्लम्स थे, कोई अलग अलग छोटे मोटे टेंशन थे, वो फैमिली मेरे तक पहुंचने ही नहीं देती थी खबर, ताकि मेरा फोकस पूरा गेम पे रहे और मैच होने के बाद, टूर ख़त्म होने के बाद हम डिस्कस करते थे वो सारी चीज़ें। तो मुझे पता था कि कोई मेजर प्रॉब्लम हुआ है, और जब मुझे अंजलि ने बताया मेरे पिताजी के बारे में तो कुछ क्षणों के लिए मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ कि ये हुआ, और मुझे ऐसे लग रहा था कि नहीं ये गलत इन्फॉर्मेशन है। और जब हम वापस भी पहुंचे तभी भी मुझे यू नो समाउ बिलीव नहीं हो रहा था कि ऐसे हो सकता है। और एक ही बात घर में बाद में डिस्कस हुई कि यहाँ तुम आए हो, सारी फॉर्मेलिटीज़ तुमने कंप्लीट की है, अभी तुम्हें वापस जाना है, क्योंकि तुम्हारे पिता भी यही चाहते थे कि ऐसे कुछ अगर हो जाता है, ये तो कोई सोचता नहीं कि ऐसे कुछ होना चाहिए, मगर वो अगर उनके हाथ में डिसीजन छोड़ा होता तो पिताजी भी यही कहते, नहीं अभी तुम्हें वापस जाके खेलना चाहिए। और वही मैंने किया। मुश्किल था, बहुत मुश्किल था, क्योंकि ऐसी चीज़ें नॉर्मली कभी पब्लिकली डिस्कस नहीं होती। और यही कहना चाहूँगी, हर 100 के बाद, क्योंकि हर 100 के बाद अब आप ऊपर देखते हैं या देखते थे, अब तो आपने गेम छोड़ दी है, लेकिन जब आप देखते थे उनकी तस्वीर आपके सामने हमेशा? अब बिल्कुल, वो तो था ही। और सबसे पहले मैं भगवान को थैंक यू बोलता था, जो भी मेरे हिस्से में आया उसको नॉट टू टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड, वो एक हमारे घर में पॉलिसी थी, अभी भी चालू है, रहेगी। और टू अप्रिशिएट, उसकी वैल्यू करो जो भी तुम्हारे तरफ आता है, क्योंकि इट इज़ ईजी टू वेक अप, हर सुबह आप उठ के भगवान को कंप्लेन कर सकते हो फॉर वॉट यू डोंट हैव इन लाइफ, इंस्टेड यू वुड वेक अप एवरी मॉर्निंग एंड थैंक गॉड फॉर वॉट यू हैव इन लाइफ। तो मेरे लिए भगवान ने आपको बहुत दिया है सर। बिल्कुल, सो आई एम ग्रेटफुल। भगवान ने आपको एक रेयर टैलेंट दी है जो बहुत कम लोगों में मिलती है। फिर आता है 2003 का वर्ल्ड कप, जहाँ हम फाइनल पहुँचते हैं और फाइनल में हार जाते हैं, कहीं फिर भी वो एक तरह से क्या आपको लगने लगा, यार मैंने बहुत कुछ अचीव किया लेकिन वर्ल्ड कप मेरे हाथ में नहीं आ पाएगा? क्योंकि उस फाइनल में आप बड़े फॉर्म में थे लेकिन उस मैच में आपने रन नहीं बनाए। बिल्कुल, मेरा
एक्चुअली उस वर्ल्ड कप का फॉर्म बहुत अच्छा था और मुझे एक्चुअली उस मैच तक एक अच्छा मोमेंटम चल रहा था, तो वो मेरी यही कोशिश थी कि है ना जितना चालू रख सके और यू नो लास्ट मैच तक वैसे ही खेलते रहे। उस तरह से मैंने प्रैक्टिस भी की थी मगर वो हो नहीं सका। मगर समथिंग विच आई नेवर लॉस्ट वॉज होप नाम की एक चीज़ होती है जो मेरा एक ड्रीम था, उससे मैंने हार नहीं मानी। उम्मीद कभी नहीं छोड़ी, बिल्कुल नहीं छोड़ी मैंने उम्मीद। और अगले वर्ल्ड कप के लिए टारगेट रखा था, अगला वर्ल्ड कप बहुत ही खराब था, पॉसिबली मैं कहूँगा मेरे करियर का लोएस्ट पॉइंट था 2007 वाला। तो वहाँ पे इतना खराब परफॉर्मेंस रहा और इतना डिसअपॉइंटिंग था कि एक मोमेंट के लिए गेम से दूर जाने का भी सोच लिया था, रिटायर होना। मेरे भाई ने मुझे उस समय कहा था कि 2011 का वर्ल्ड कप इंडिया में हो रहा है और फाइनल्स है मुंबई में, कैन यू इमेजिन मुंबई में तुम्हारे हाथ में वर्ल्ड कप की ट्रॉफी होगी, उस समय अगर कुछ सोचना है तो उस समय हम डिस्कस करेंगे, तब तक डिस्कशन भी नहीं करेंगे। तो उसे काफ़ी प्रेरणा मिली और वापस एक जो नई जर्नी शुरू हुई 2007 से 2011 तक। लेकिन ये ऑडियंस जो है ये मुंबई की ऑडियंस है और वो आपसे सवाल पूछूंगी, फिर मैं और सवाल पूछूंगा आपके सफर पर सवाल पूछते हैं, कौन पूछेगा पहला सवाल? आइए माइक ले लीजिए, जिसको पूछना है माइक ले लीजिए हाथ में। हाय, अ वेरी गुड इवनिंग। मैं भी बॉम्बे से बिलोंग करती हूँ, यहीं जन्म हुआ है, पहली बार यहाँ आई हूँ और आपको सामने देखकर हम एक्चुअली सिर्फ आंखें खुली हैं हमारी। हम थैंक यू कहना चाहेंगे सबको आपको कि हमें मौका मिला यहाँ आने के लिए। मैं एक्चुअली बहुत देर से एक सवाल पूछ रही थी, सोच रही थी कि हर क्रिकेट के बाद एक पार्टी हुआ करती है, करती थी, करती है, करती रहेगी, आपको कभी देखा नहीं उसमें। नेक्स्ट डे पिक्चर्स आते थे, लोगों के फोटोग्राफ्स आते थे, आप कभी गए नहीं उसमें। और इसलिए नहीं क्योंकि आपको पार्टी पर्सनली पसंद नहीं, या आप नहीं चाहते कि नेक्स्ट डे क्रिकेट में अफेक्ट हो इसलिए। यानी सवाल जो पूछा जा रहा है कि सचिन तेंदुलकर पेज 3 पर ज्यादा क्यों नहीं दिखते हैं, कि आप पार्टी क्यों नहीं करते बाकी क्रिकेटरों की तरह। मैं मेरे क्लोज फ्रेंड्स के साथ कंफर्टेबल महसूस करता हूँ और हर एक प्लेयर का नेचर होता है, हर एक इंसान का नेचर होता है राधा। मेरा नेचर वो है नहीं कि जाके पार्टीज़ करूँ और फोटोग्राफ्स के लिए पोज करूँ, और आई डोंट नो, आई मीन कभी लगा नहीं कि मुझे जाना चाहिए, हर पार्टी अटेंड करनी चाहिए। मैं जहाँ था वहाँ पे कंफर्टेबल था क्योंकि जो चीज़ मुझे करनी थी वो इस जगह पे करनी थी, ग्राउंड पे करनी थी। और वो होने के बाद मैं बाकी सारी चीजों का ज्यादा नहीं सोचता। जब वर्ल्ड कप फाइनल जीते तब आपने जरूर पार्टी की होगी। वो अगर नहीं की होती तो मुझे एबनॉर्मल कहते थे सब लोग। वो तो जरूरी थी और वो पार्टी भी चली। मुझे याद है हम ऑलमोस्ट 4 बजे तक कुछ पार्टी कर रहे थे, यहाँ से हम ड्रेसिंग रूम से ही निकले कुछ 1-1.5 बजे क्योंकि बाहर इतना ट्रैफिक था। हमें कहा था कि आप यहीं पर थोड़ी देर सेलिब्रेट करो, हमारे फैमिलीज भी ड्रेसिंग रूम के अंदर आए थे, तो फैमिलीज़ को हम ड्रेसिंग रूम के अंदर लेके फोटोग्राफ्स, काफ़ी सारे फोटोग्राफ्स लिए। उस वर्ल्ड कप में मुझे लगता है धोनी थे और विराट कोहली थे, जो उस 2011 वर्ल्ड कप में, जो अभी भी इस टीम में है। क्या एक तरह से एक नई टीम आई है, क्या आप देखते हैं? कुछ लोग कहते हैं विराट कोहली इज द न्यू सचिन तेंदुलकर। मैं नहीं मानता, हर क्रिकेटर की अपनी अपनी एक, नहीं मानते ना? नहीं, बिल्कुल, ये मुंबई की ऑडियंस तो नहीं मानेगी। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि विराट कोहली पर उसी तरह से जो उम्मीदें थी, जो एक समय आप पर थी, आज विराट कोहली पर है। किस तरह से आप देखते हैं, क्या हर वर्ल्ड कप एक नया स्टार लोगों के सामने आता है? आई थिंक कोई भी स्पोर्ट्समैन को अच्छी लगती है ये बात कि ना उससे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जब मैं ग्राउंड पे खड़ा होता था और स्टैंड में से मुझे अगर किसी भी समय पता लगता था अगर कि मेरे से क्राउड कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है, तो डेफिनेटली मैं यही समझता था कि आई एम एट द रॉन्ग प्लेस। अगर आप वहाँ पे खड़े रहते हो तो ये ज़रूरी है कि क्राउड आपसे कुछ एक्सपेक्ट करे, कि इसका मतलब यही होता है कि आपकी काबिलियत है डिलीवर करने की कुछ परफॉर्मेंस। यानी सचिन आप कह रहे हो जब क्राउड कहता था सचिन सचिन तो आप पर प्रेशर ज़्यादा बढ़ता था, और या आप कह रहे हैं कि आपका हौसला और बढ़ जाता है? ये ऐसी चीज़ें
सबका हौसला बढ़ाती है और मेरा भी बढ़ा है। तो ये चीज़ें जब होती है तो एक अलग सा कॉन्फिडेंस और अलग सी स्ट्रेंथ, इंस्पिरेशन, डिटर्मिनेशन आप महसूस करते हैं। आपकी कोई वर्ल्ड कप फेवरेट मैच, कोई ऐसी मैच जो सचिन के नाम, जो आपको लगे आपकी कोई फेवरेट ऐसी मैच थी? मुझे याद है इसी ग्राउंड पे आपने, मुझे लगता है 4 4 मारे थे एक ओवर में ग्लेन मगरा को 96 वर्ल्ड कप में। पर कोई फेवरेट मैच या कोई फेवरेट मोमेंट आपका? आई थिंक फेवरेट मैच 2003 वर्ल्ड कप ही अगेंस्ट पाकिस्तान के साथ हम सेंचुरियन पे खेले जब आपने 90 बनाए थे। हाँ, वो मैच का कुछ एक, उस मैच की एनर्जी कुछ अलग अलग थी। मुझे याद है ऑलमोस्ट 10 महीने पहले मेरे दोस्तों ने और सारे फैंस ने यहाँ वहाँ से बातें करनी शुरू की थी उस मैच के बारे में, एक मैच के बारे में। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके 10 साल बाद भी शोएब अख्तर उस मैच को भूले नहीं है, क्योंकि आपने उनकी इतनी पिटाई की कि वो भूले नहीं है। क्रिकेटर से सुनेंगे, बोलो। सर, आपने क्रिकेट इस फील्ड में बहुत कुछ अचीव किया है, सर क्या आप अपने यंग फॉलोअर्स को कुछ गुरु मंत्र देंगे? मैं सारे यंगस्टर्स को यही कहना चाहूंगा कि ख्वाब देखना जरूरी है, मगर ख्वाब रियलाइज होते हैं जब आप उठे हुए होते हो। तो फिर जब जागे हो तो आपके ख्वाब को चेस करो, मेहनत करो, दम लगाओ, गेम को एंजॉय करो, गेम की पूजा करो, शॉर्टकट्स मत ढूंढो, चीटिंग मत करो उधर, क्योंकि शॉर्टकट्स अगर ढूंढोगे तो एक आध दूसरा मैच इधर उधर ठीक हो जाएगा परफॉर्मेंस, डिफिकल्ट मोमेंट्स में कुछ नहीं होने वाला है, शॉर्टकट्स बंद करो। और किट बैग को कभी मत फेंको, बैट को कभी मत फेंको, किट की पूजा करो, किट की पूजा करो, सच्चे दिल से प्रैक्टिस करो। लेकिन मैं देखता हूँ आप विराट कोहली, अगर आप विराट को देखें तो विराट बड़ा अग्रेसिव होता है फील्ड पर, दिखाई देता है बॉडी लैंग्वेज में, आप बड़े शांत थे, आपका अग्रेशन मुझे लगता है कहीं आपने अंदर रखा। हर इंसान अलग अलग सिचुएशंस अगर आपके सामने आएंगे तो रिएक्शंस अलग मिलेंगे आपको, सभी से एक तरह के रिएक्शंस नहीं मिलेंगे। देन इट इवेंचुअली डिपेंड्स कि व्हाट हेल्प्स टू ब्रिंग द बेस्ट आउट ऑफ यू। मैंने रिटायर होने के बाद बिल्कुल नेट्स में वगैरह घुस के बैटिंग नहीं की है। आई थिंक एक ही मैच जब 5 जुलाई को खेला लॉर्ड्स पे, तो उसके पहले 2-3 दिन बैटिंग की थी नेट में, जहाँ बॉलर्स आए थे वहाँ भी 3 तारीख को बारिश हुई थी, 4 तारीख को थोड़ा हल्का थ्रो डाउन्स वगैरह किए थे थोड़े बहुत, और फिर मैच में गए थे। मगर ऐसे टीम के साथ 2 ही सेशन मिले थे। मैं आपको खिलाऊंगा, लाओ बैट, लाओ बैट, लाओ, कम ऑन जल्दी, आप हमें दिखाओ आपका फेवरेट शॉट, आपका फेवरेट वर्ल्ड कप शॉट। आज मैं राजदीप का रोल कर रहा हूं तो राजदीप मेरा रोल करेगा बैटिंग करके। कोई आपका कोई फेवरेट शॉट जब आपने इतने वर्ल्ड कप खेले, कोई ऐसा शॉट? फेवरेट शॉट हैज टू बी, देखो अब ये कह रहा स्ट्रेट ड्राइव, भी स्ट्रेट ड्राइव जहां पे मुझे लगा कि मुझे काफी सेटिस्फेक्शन मिलता था कि बॉडी बैलेंस अगर ठीक रहे और बिल्कुल सीधा जाए तो बॉलर को भी बैट का स्टिकर अच्छा दिखता था। अरे वाह, बॉलर को बैट का स्टिकर अच्छा दिखता था। सचिन तेंदुलकर, आपने कई बॉलरों को अपनी बैट की स्टिकर दिखाई है और आपने हमें बहुत बहुत आनंद दिया है, और जो आपने इस ग्राउंड पे किया और दुनिया भर में किया है उसके लिए मैं एक ही वर्ड कहूंगा, थैंक यू सचिन।